जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो उसी दिन आंधी आ जाती है, और जिस दिन ना करो उस दिन मेहमान आ जाते हैं। कमबख्त बहुत समस्या है। सास बोली, मुझे पूरा भरोसा है तुम किचन संभाल लोगी। बहू किचन में गई, कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। सास बोली, क्या तोड़ दिया? बहू बोली, जी भरोसा। सास बेहोश। मेरी माँ बोली, तेरी शादी एकदम सीधी साधी लड़की से ही कराऊंगी। उसी दिन मैं समझ गया कि मेरी शादी अब कभी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, एक बात पूछनी थी कि शादी घर वाले खुद करवाते हैं या फिर बोलना पड़ता है कि हम बड़े हो गए हैं? अगर जूता लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है तो आपका जीवन गाड़ी से बहुत कीमती है। एक जूता गले में भी लटका लिया करो। एक नदी में दो इंसान डूब रहे हैं, एक जो आपसे प्यार करता है और एक वो जिसे आप प्यार करते हैं, तो आप किसे बचाओगे और क्यों? जरा सोच समझ कर बताना। बचपन में स्कूल जाते समय घर से कितने पैसे लेकर जाते थे? लंबी लंबी ना छोड़ना, मुझे 50 पैसे मिलते थे। चलो सब लोग आज अपने एक फेवरेट फिल्म का नाम बताइए जिसको आपने कई बार देखा हो लेकिन फिर भी आपका मन नहीं भरा हो। एक पति सुबह सुबह बीवी पर चिल्ला रहा था। बीवी बोली, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? पति, मैं तेरे से परेशान हो गया। आज से सारे काम तू करेंगी, खाना तू बनाएंगी, बर्तन धोएंगी, जूते पॉलिश करेंगी। बीवी बोली, अच्छा ठीक है, पर तुम कम से कम पलंग के नीचे से तो बाहर आ जाओ। कल पड़ोसी 32 इंच का स्मार्ट टीवी खरीद के लाया। आज मैंने भी आओ देखा ना ताओ और 55 इंच का स्मार्ट टीवी का खाली बॉक्स कबाड़ी के यहाँ से खरीद लाया। अब पड़ोसी के चेहरे का जो रंग बदला उसको देखकर ही मजा आ गया। एक आदमी पब्लिक टॉयलेट में बैठा था कि अचानक साथ वाले टॉयलेट से आवाज आई, क्या हाल है? आदमी घबरा के बोला, ठीक हूँ। फिर आवाज आई, क्या कर रहे हो? आदमी, भाई जो सब यहाँ करते हैं। फिर आवाज आई, मैं आ जाऊँ? आदमी परेशान हो गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं मैं व्यस्त हूँ। फिर आवाज आई, अच्छा यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी कोई उल्लू का पट्टा साथ वाले टॉयलेट से मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। एक कड़वा सच। सास बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें जवाब देते हुए? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने। बहू, संस्कार, लेकिन वो आपने मांगे कहा थे? शादी के 10 दिन पहले आपने जिन सामानों की लिस्ट भिजवाई थी उनमें संस्कार तो कई नहीं लिखे थे। आपकी मांगे को पूरी करने के लिए जब माँ ने अपने गहने और जमीन गिरवी रखे तो मैंने उनके दिए हुए संस्कार भी गिरवी रख दिए। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।